नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। जनपद ललितपुर पुलिस द्वारा रविवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और जागरूकता के लिए अपील की गई। इसी क्रम में ललितपुर पुलिस अधीक्षक ललितपुर कैप्टन MM बैग द्वारा शहर में भ्रमणशील रहकर अपील की गई और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जनता को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक MM बैग ने नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए समस्त जनपद वासियों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा जनपद भ्रमणशील रहकर विशेष परिस्थितियों में घर से निकल रहे व्यक्तियों को नोवेल कोरोना वायरस के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा बिना मास्क और मोटरसाइकिल पर दो सवारी पाए जाने पर तत्काल चालान करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही शहर में ड्रोन कैमरे से गलियों के अंदर लॉकडाउन के पालन की निगरानी की। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जैसा हम सभी अवगत हैं कि बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो दो दिन का लॉकडाउन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, सैटरडे और संडे, उसका हम लोग पालन करें। वैसे तो यहाँ की जनता ने काफ़ी हद तक इसमें सहयोग किया है और लॉकडाउन का पालन हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर निकला हूँ और ऐसे लोग जो बिना मास्क के एक गाड़ी पे दो से अधिक सवारी चल रही है या ऐसे दुकानदार जिन्होंने चोरी छुपी दुकान खोली हुई है, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि लॉकडाउन का हम लोग पालन कराएंगे और इसमें जो लोग पालन करने से चूक रहे हैं उनके विरुद्ध हमें जुर्माने की शमन की कार्रवाई हम लोग करेंगे।